नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL JEE इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप UPPCL JEE इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सिलिकॉन इज प्रिफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जेनर डायोड बिकॉज इट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, जेनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और इसका जो बेस्ट एप्लीकेशन होता है वोल्टेज रेगुलेटर का। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर का इसका बेस्ट एप्लीकेशन होता है जेनर डायोड। अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेटर की जब भी बात आए तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जेनर डायोड आना चाहिए। अब अगर बात करें जेनर डायोड के सिंबल की, तो सिंपली अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड आप बना दें और यहाँ पे कुछ जेड टाइप का उल्टा जेड या सीधा जेड बना दें तो ये जेनर डायोड हो जाता है, जिसका ये पी टर्मिनल एंड ये एन टर्मिनल, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। तो पी को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्यों हम सिलिकॉन को यूज करते हैं जेनर डायोड को बनाने के लिए। दोस्तों, जब आपने जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा होगा तो जो इसको रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसा कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, ये जो वीजेड हमें मिलता है स्टेबलाइज वोल्टेज या फिर जेनर वोल्टेज जो हमें मिलता है, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है रिवर्स बायस में। मीन्स अगर आप ये रिवर्स बायस को बढ़ा रहे हैं तो एक लेवल पर क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होता है जंक्शन का, जहाँ सडन करेंट फ्लो होता है, जिस करेंट को वो मिनिमम करेंट जो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, वो उसको नी करेंट बोलते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके कारण बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। मींस उस डिवाइस के पास, उस मटेरियल के पास उतनी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और आपको दोस्तों पता है सिलिकॉन के पास सबसे बेटर हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। इस कारण से दोस्तों सिलिकॉन यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेनर डायोड का, और जर्मेनियम को हम नहीं यूज करते, क्योंकि एक तो जर्मेनियम महंगा है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन सस्ता है, इजिली अवेलेबल है, और उसकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हैज़ हायर टेम्परेचर एंड करेंट कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन का हम लोग इसलिए यूज करते हैं जेनर डायोड बनाने के लिए, ताकि क्योंकि उसके पास हायर टेम्परेचर एंड करंट कैपेसिटी होता है एब्जॉर्ब करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द इक्विपमेंट यूजेज बाइनरी कोडेड डेसिमल, मींस इनमें से जो इक्विपमेंट दिए हुए हैं वो कौन कौन से BCD फॉर्म में नंबर का यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए या अपने वर्किंग के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, पॉकेट कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एंड डिजिटल वोल्टमीटर। जी हाँ दोस्तों, पॉकेट काउंटर BCD नंबर का यूज करता है इंटरनल कैलकुलेशन के लिए। जो आप कैलकुलेटर्स यूज करते हैं दोस्तों, ये BCD नंबर का यूज करता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर की, तो दोस्तों ये भी BCD नंबर का यूज करता है। प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पॉकेट कैलकुलेटर के बारे में पूछा गया है और डिजिटल वोल्टमीटर के बारे में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल वोल्टमीटर भी BCD नंबर का यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, BCD नंबर का यूज करता है उसके एप्लीकेशन के लिए। या फिर अगर पूछा जाए कि डिजिटल वोल्टमीटर में कौन सा कोड यूज होता है, तो जी हाँ दोस्तों, बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज होता है डिजिटल वोल्टमीटर एंड पॉकेट कैलकुलेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मीन्स BCD नंबर कोड यूज होता है इन सभी डिवाइसेस में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंड फिट इनपुट इम्पीडेंस। जी हाँ दोस्तों, फिट के इनपुट इम्पीडेंस की बात की जा रही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के इनपुट इम्पीडेंस की बात की जा रही है।
तो दोस्तों फिट का इनपुट इम्पीडेंस 1 मेगा ओम टू सेवरल मेगा ओम होता है। जी हाँ दोस्तों, फिट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है किसी भी डिवाइस या किसी भी मटेरियल की या फिर किसी भी एलिमेंट का जिसका इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होने से दोस्तों लोडिंग इफेक्ट अकर नहीं होता। लोडिंग इफेक्ट अकर नहीं होता तो मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन हो सकता है किसी और डिवाइस से उस डिवाइस में। तो दोस्तों फिट का ये एडवांटेज है कि उसके पास इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों फिट का ड्रॉबैक क्या था कि हमें मॉस्फेट पे जाना पड़ा। दोस्तों फिट का ड्रॉबैक ये था कि इसका जो गेन है वो कम था। जी हाँ दोस्तों, फिट का गेन कम था। इसके लिए हमें मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर पे जाना पड़ा। मॉस्फेट पे। तो ये रीज़न था फिट से मॉस्फेट पे स्विच करने का। तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको कुछ और रीजन्स पता हो कि क्यों हम फिट से मॉस्फेट पे गए, प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों से मिल जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दोस्तों उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1/2 CV². जी हाँ दोस्तों, ये एनर्जी स्टोर हो सकती है कैपेसिटर के फॉर्म में। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, जहाँ पे सी कैपेसिटेंस है, वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की क्या विशेषताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जब JK फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रहा था तो उस केस में उसको अवॉइड करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता था। दोस्तों मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के केस में जो आउटपुट होता है, ये अगर ये मास्टर है और ये स्लेव है, जो आउटपुट होता है दोस्तों वो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ स्लैब के कारण। जी हाँ दोस्तों, स्लैब के कारण आउटपुट सिर्फ चेंज होता है। और इस पे जो दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के पूछे जाते हैं कि मास्टर जो होता है वो दोस्तों पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड होता है और स्लेव जो होता है दोस्तों वो नेगेटिव एस ट्रिगर्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है ट्रिगरिंग के बारे में इन दोनों का। तो दोस्तों मास्टर जो है वो लेवल ट्रिगर्ड हो सकता है, लेकिन स्लैब जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एस ट्रिगर्ड होगा। मास्टर लेवल ट्रिगर्ड हो सकता है और स्लैब एस ट्रिगर्ड होगा। ये दो क्वेश्चन जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से पूछे जाते हैं। पहला ये क्वेश्चन खुद ही है कि आउटपुट किस पे अफेक्ट करता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ स्लैब के आउटपुट से चेंज होता है मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का हम लोग जो इसलिए करते हैं रेस अराउंड कंडीशन को हटाने के लिए हम लोग मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शंस क्या हैं, चेंज इन द इनपुट इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन द आउटपुट, नहीं। चेंज इन द आउटपुट अकर्स व्हेन द स्टेट ऑफ मास्टर इज अफेक्टेड, नहीं। चेंज इन द आउटपुट अकर व्हेन द स्टेट ऑफ द स्लेव इज अफेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फॉरवर्ड बायस डायोड के बायसिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि डायोड का जो सिंबल है ये इस टाइप का सिंबल है, जहाँ पे ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है। या फिर नॉर्मल अगर पीएन जंक्शन डायोड बनाए दोस्तों, तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। दोस्तों ये फॉरवर्ड बायस में तब होता है जब पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एन को बैटरी को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, P connected is positive PP and N is connected to negative NN। बात समझ में आ गई। और इसका जस्ट उल्टा जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है रिवर्स बायस में। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन और जो पूछे जाते हैं, फॉरवर्ड बायस में जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। फॉरवर्ड बायस में जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, आइडल माना जाए तो जीरो होता है। और रिवर्स बायस में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और अगर माना जाए उसका आइडियल कंडीशन माना जाए तो इनफाइनाइट हो जाती है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है रिवर्स बायस में।
और दोस्तों जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायोड जो है दोस्तों वो पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट इसलिए है क्योंकि ये कोई एनर्जी खुद से जनरेट नहीं करती, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या फिर एक टर्मिनल से लेती है दूसरे टर्मिनल पे देती है। और दोस्तों ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ये एरो जो बता रहा है आपको, यही डायरेक्शन आप करेंट फ्लो बताता है इस डायोड के केस में। डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है और फॉरवर्ड बायस में एज अ ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में एज अ ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीएन जंक्शन डायोड के केस में। अब दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है, द बैटरी कनेक्टेड कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूछ रहे हैं कि ये किस सर्किट का फिगर बता रहा है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है। दोस्तों मैंने आपको बताया था अप मींस अपोजिट, अप मींस अपोजिट। पहली बात, ये रिपल काउंटर है तो प्रीवियस का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक का क्रम बिहेव करेगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था अप मीन्स अपोजिट, अगर एक आप पहचान ले रहे हैं तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली पहचान लेंगे। मैंने क्या बताया, अगर वो अप काउंटर है तो जो उसका क्लॉक होगा वो अपोजिट एंड से कनेक्ट होगा, मीन्स क्यू जो कनेक्ट होगा वो नेगेटिव एस ट्रिगर पे कनेक्ट होगा, तब ये अप हुआ। ये क्यू क्या है, एक पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे, और ये कनेक्ट होगा अगर नेगेटिव से तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इस केस में ये अप काउंटर हो जाएगा, या फिर Q बार कनेक्टेड होगा किससे, पॉजिटिव एच ट्रिगर से। पॉजिटिव उसका जो क्लॉक होगा वो पॉजिटिव एच ट्रिगर से कनेक्ट होगा। ये पॉइंट आपको मैंने बहुत ही पहले काउंटर वाले क्लास में बता दिया था, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये अप काउंटर हो जाएगा। अप मींस अपोजिट, अप मींस अपोजिट। ये Q क्या है, पॉजिटिव दिखा रहा है कुछ, और Q बार क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। जब नेगेटिव को पॉजिटिव एच ट्रिगर से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अप, या फिर पॉजिटिव को नेगेटिव एच से कनेक्ट करते हैं तो वो डाउन काउंटर हो जाता है। एक तो ये है तरीका। और जब हम प्रीसेट करते हैं या रीसेट करते हैं, जब हम रीसेट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो 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 हो जाती है, फिर जीरो से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब रीसेट पे इनपुट दिया हो दोस्तों तब वो क्या हो जाता है, अप काउंटर हो जाता है। लेकिन जब प्रीसेट पे इनपुट दिया हो, उसके स्टेट को प्रीसेट किया जाता हो, प्रीसेट किया जाता हो मतलब उसकी वैल्यू क्या कर दी जाती हो, 111, मीन्स ये जो काउंटर का इनिशियल स्टेट है वो 111 हो जाएगा, मीन्स तब ये काउंट कहाँ से करेगा, 111 से उसके नीचे तक का काउंट करेगा, मीन्स इस केस में ये डाउन काउंटर हो जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है एज ट्रिगरिंग के बारे में, फ्लिप फ्लॉप में कुछ ऐसा अगर ट्रायंगल से बना देते हैं तो ये एस ट्रिगर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे बबल दे देते हैं तो ये नेगेटिव एस ट्रिगर्ड हो जाता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब अगर यहाँ पे हम फ्लिप फ्लॉप में कोई भी इस ऐसा ट्रायंगल नहीं बनाते तो ये लेवल ट्रिगर्ड हो जाता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होते हैं, एस ट्रिगर्ड होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्यू कनेक्टेड है किससे, पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड से, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप जो यहाँ पे हैं ये पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड है। मीन्स यहाँ पे सेम चीज़ें दिख रही हैं, कोई अपोजिट चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे भी देखिए क्यू जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव एस ट्रिगर से ही कनेक्टेड है, राइट। मीन्स ये काउंटर यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये काउंटर डाउन काउंटर है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, मीन्स ये एक आप समझ गए कि कैसे डाउन काउंटर को पहचानते हैं। अब अगर इनके ऑप्शन देखे जाएँ, ये डाउन काउंटर है मतलब कि अप वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, इससे अप वाला आपने एलिमिनेट कर दिया। एक तरीका और है डाउन काउंटर बताने का, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो ये प्रीसेट हो रहा है फ्लिप फ्लॉप कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद प्रीसेट हो रहा है, मीन्स इसका इनपुट ऑटोमेटिकली जो इनिशियल स्टेट हो जाएगा वो 1-1 हो जाएगा, फिर उसके बाद वो उसके नीचे का स्टेट काउंट करेगा, मीन्स ये क्या हो गया, डाउन काउंटर हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिएगा कि ये गेट सर्किट कब लगी हुई है इसको प्रीसेट करने के लिए, गेट सर्किट कब लगी हुई है प्रीसेट करने के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है रिपल काउंटर के केस में ये LSB होता है और ये MSB होता है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है।
अब दोस्तों इसका जो आउटपुट है वो प्रीसेट तब हो रहा है जब अगर देखा जाए यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, क्योंकि ये उल्टा लिखेंगे ना, क्योंकि ये एम एस बी है। जब ए की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, ए की वैल्यू जीरो हो रही है, क्यू बार पे दिया हुआ है, क्यू बार का गेट का इनपुट यहाँ पे गया हुआ है ना दोस्तों, तो ए की वैल्यू जब जीरो हो रही है तब, और फिर ये दूसरा वाला इनपुट जो है वो क्यू की, बी की वैल्यू वन हो रही है तब, और तीसरा वाला जो इनपुट है दोस्तों वो क्या है, क्यू बार जीरो। मीन्स जब स्टेट काउंट करते करते जीरो वन जीरो पे आ रहा है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप इसके बाद काउंटर जो है वो वन 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 पे चला जा रहा है प्रीसेट इनपुट की तरह। इतना पॉइंट क्लियर है। इसमें तीन फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं, मतलब ये आठ स्टेट को काउंट करेगा अगर हम इसमें कोई प्रीसेट इनपुट ना लगाए तो। और ये कहाँ तक काउंट कर रहा है, ये काउंट कर रहा है दोस्तों वन 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 से ले के वन सॉरी जीरो वन जीरो पे, मतलब ये क्या है दो है और ये क्या है दोस्तों ये है सात, ठीक है ये सात है। मीन्स सात काउंट किया इसने, फिर छः काउंट किया, फिर इसने पाँच काउंट किया, फिर चार काउंट किया, और फिर क्या काउंट किया दोस्तों फिर तीन काउंट किया। फिर उसके बाद इसकी जो सेटिंग की गई है कि जैसे ही दो आए फिर से वो किस पे चला जाए, सात पे चला जाए। ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, मीन्स आपको यहाँ से ये क्लियर हो रहा होगा कि ये सिर्फ सात काउंट कर रहा है, छः काउंट कर रहा है, पाँच काउंट कर रहा है, चार काउंट कर रहा है, तीन कर रहा है, फिर से सात पे चला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पाँच डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है, ये पाँच डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मॉड फाइव काउंटर हो जाएगा, मॉड फाइव काउंटर हो गया। अब ये अप है कि डाउन, जैसा कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये डाउन काउंटर है, तो ये काउंटर जो आपको फिगर में दिख रहा है ये मॉड फाइव डाउन काउंटर है। जी हाँ दोस्तों, मॉड फाइव डाउन काउंटर है इस क्वेश्चन का आंसर, मॉड फाइव डाउन काउंटर हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी तरीका था आपको समझाने का, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में बताइएगा उन्हें शेयर करके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर अभी भी कुछ डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि यही एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे के भी एग्ज़ाम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शिफ्टिंग द कंटेंट ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट बाई वन प्लेस इज इक्विवेलेंट टू। मैंने ये आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन कराया है और पढ़ाते टाइम बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जस्ट अगर कोई कंटेंट है किसी रजिस्टर में, ये कंटेंट है इसका हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। अभी इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, दो है। अगर इसका लेफ्ट करना है शिफ्ट तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ये वन यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये जीरो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, फोर हो गई, ठीक है। फिर से अगर इसको शिफ्ट करना होगा तो ये जीरो यहाँ से उठ के इधर पीछे आ जाएगा, ये जीरो इधर, ये जीरो इधर, ये वन इधर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, फोर। मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो रहा है दोस्तों कि अगर आप इसकी लेफ्ट शिफ्टिंग कर रही है तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, दो से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर आप इसका लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली दो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो लेफ्ट शिफ्टिंग अगर हो रहा है तो कंटेंट को बेसिकली दो से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब अगर बात करें राइट शिफ्टिंग की, जैसे अगर ये क्वेश्चन है 0100, ठीक है, इसकी वैल्यू इस टाइम पे है 4। अगर इसकी राइट शिफ्टिंग किया जाए तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ये वन यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जीरो आकर के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 2। फिर से इसकी एक बार अगर शिफ्टिंग किया जाए तो ये वन यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 1। जैसा कि आपने देखा लेफ्ट शिफ्टिंग के केस में मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, सेम मैनर में राइट शिफ्टिंग के केस में डिवाइड बाय 2 हो रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डिवाइड बाय 2 हो रहा है राइट शिफ्टिंग के केस में। तो लेफ्ट शिफ्टिंग इज नथिंग बट
मल्टीप्लीकेशन बाई टू ऑपरेशन एंड राइट शिफ्टिंग इज नथिंग बट डिवीजन बाई टू ऑपरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अ फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ओनली। द फ्लिप फ्लॉप विच एक्ट्स एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, कौन सा फ्लिप फ्लॉप फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह वर्क करता है? तो दोस्तों मैंने इसको आपको बहुत ही क्लियरली बताया है, टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो जब भी या फिर जो भी फ्लिप फ्लॉप हो वो अगर टॉगल मोड में वर्क कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का काम करता है। जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स अगर टॉगल मोड में है तो वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का काम करते हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप इज द राइट आंसर फॉर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। अब अगर बात करें वो फ्लिप फ्लॉप जो सिर्फ और सिर्फ डेटा की शिफ्टिंग के लिए यूज होता है या फिर डिले प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, तो उस केस में उसका आंसर हो जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, डी फ्लिप फ्लॉप। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ बीजेटी इज। जी हाँ दोस्तों, बीजेटी का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो फेट से कम होता है, फेट से कम होता है, लोअर देन दैट ऑफ फेट। जी हाँ दोस्तों, इनपुट इम्पीडेंस बीजेटी वो कम होता है मॉस्फेट या फिर फेट से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो मटेरियल बॉन्ड होता है वो किस टाइप का होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और बात करें अगर हम कंडक्टर की तो कंडक्टर के पास दोस्तों मेटेलिक बॉन्ड होता है, कंडक्टर के पास मेटेलिक बॉन्ड होता है। और बात करें अगर इंसुलेटर की तो उसके पास दोस्तों आयनिक बॉन्ड होता है। दोस्तों ये आयनिक बॉन्ड इंसुलेटर के केस में होता है और मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स या फिर कंडक्टर के पास होता है। और ये दोस्तों जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये सेमीकंडक्टर के पास होता है। तो इस पे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूँ तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूँ और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो, ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।